Hello everyone, welcome to my channel which is Learning Institute, and today I am going to discuss the Einstein's photons theory and photoelectric equation. इसके पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, तो वहाँ पे सारा एक्सप्लेनेशन और जितने ग्राफ वगैरह थे सब एक्सप्लेन हो चुके थे. यहाँ पे हम देखेंगे कि आइंस्टीन ने फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन के थ्रू कैसे उन सारे लॉ को सेटिस्फाई किया और एक फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन दिया उसके लिए. तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ लॉ ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन. तो कुछ लॉ डिस्कस करेंगे जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से आए थे, उनको हम बोलते हैं लॉ ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन. तो सबसे पहले हम वही डिस्कस करेंगे, तो लॉ ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन. तो इसमें जो पहला लॉ था वो ये था, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the intensity of incident light या UV light, incident light. तो intensity of incident light पर depend करता है number of photo electron. तो कितने number of photo electrons emit करेंगे वो depend करता है किस पे, intensity of incident light पे. ये हमने कल देखा था एक्सपेरिमेंट में. दूसरा था, और जो ये इलेक्ट्रॉन जो फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे थे वो इंडिपेंडेंट थे, उनकी जो एनर्जी थी वो इंडिपेंडेंट थी इंटेंसिटी ऑफ लाइट से. हम लिख सकते हैं कि द एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी या ऑन लिख सकते हैं, इंडिपेंडेंट ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट इंसिडेंट लाइट. जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे थे उनकी एनर्जी इंडिपेंडेंट थी इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट से, ये भी हमने कल देखा था. तीसरा था कि जो एनर्जी होती है, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन आर डिपेंडेंट या आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या आर डिपेंडेंट या आर डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इंसिडेंट लाइट. जो एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन से वो इंडिपेंडेंट होती है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट से. जब इंटेंसिटी हम इंसिडेंट लाइट के बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते थे जिससे करंट बढ़ जाती है, लेकिन एनर्जी उसका हमेशा इंडिपेंडेंट रहा. लेकिन फोटो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिपेंड करती है किस पर, फ्रीक्वेंसी पर. फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट जो हम यूवी लाइट मेटल के ऊपर गिराते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी पे एनर्जी का जो एनर्जी है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वो डिपेंड करती है. ये तीसरा लॉ था. ये सारे लॉ इलेक्ट्रॉन के द्वारा आइंस्टीन के द्वारा एक्सप्लेन किए गए अपने इलेक्ट्रिक इक्वेशन से, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से. जो चौथा था वो ये था कि द इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट अकर
atos cannot occur below at a certain frequency, below at a certain frequency known as, और इसको हम न्यू नॉट से दिखाते हैं, तो सर्टेन फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट नोन एज अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जो इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स था वो अकर नहीं होगा, नहीं हो सकता जब तक कि जो यूवी लाइट है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, तो जो इंसिडेंट लाइट थी उसकी एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर लाइट होगी जब उस फ्रीक्वेंसी की, यानी हमारा जो न्यू था इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी वो कम से कम न्यू नॉट के इक्वल होगा, तब जाके इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं करेंगे, या तो फिर न्यू बड़ा हो हमेशा न्यू नॉट से। ये था उसका पाँचवा लॉ है। ये सारे समरी हैं एक तरह से फोटो इलेक्ट्रिक फिनामिना के, या हम कह सकते हैं उसके कंक्लूजन्स हैं। तो पांचवा था कि ऑल दिस प्रोसेस आर अकर्स इंस्टेंटली विदाउट एनी टाइम लैग। तो बिना कोई समय गवाए ये जो भी प्रोसेस था ये सारा कुछ इंस्टेंट हो रहा था। ये सारे पांचों लॉस निकल के आए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, जो लेनार्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में शो किया था। तो इसी चीज़ को आइंस्टीन ने अपने तरीके से बताया एक इक्वेशन देके, तो अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक बार फिर से हम इसको बता देते हैं। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट के, यानी जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी हम बढ़ाएंगे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ करेगा। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ करने का मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाएगी। एंड द एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इनडिपेंडेंट ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे लेकिन किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंक्रीज नहीं होती इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट के साथ। उसी तरीके से तीसरा कह रहा है कि एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड करता है किस पर, फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। इस पर जितना ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी इंसिडेंट लाइट की उतना ज़्यादा एनर्जी होगी फोटो इलेक्ट्रॉन की। द इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट अकर कब, जबकि वो जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है वो बिलो होगी एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की। तो एक निश्चित फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी की अगर लाइट हम इंसिडेंट कराएंगे तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं होगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कम से कम न्यू इक्वल और न्यू नॉट, या न्यू ग्रेटर दैन न्यू नॉट हो, और फिर ये सारे प्रोसेस इंस्टेंट होते हैं, यहाँ कोई टाइम लैग नहीं होता है। क्लासिकली बोल कहा जाता है कि टाइम लगना चाहिए लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो अब हम डिस्कस करते हैं आइंस्टीन्स थ्योरी को। फोटोन थ्योरी एंड फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन।
तो आइंस्टीन ने जो एक्सप्लेनेशन दिया था वो फोटॉन थ्योरी के बेसिस पे दिया था। उन्होंने ये माना कि जो यूवी लाइट इंसिडेंट होती है मेटल के ऊपर, हमने इसको कैथोड माना था और इधर एनोड था, और यूवी लाइट इंसिडेंट हो रही थी उसे उन्होंने कहा कि वो फोटॉन के फॉर्म में थी, तो उसकी एनर्जी एच न्यू थी। तो जब लाइट इंसिडेंट होती है किसी मेटल के ऊपर तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का आयनाइजेशन होता है, इलेक्ट्रॉन आयनाइज होकर बाहर निकलता है और वो फिर एनोड तक पहुँचता है जिससे पूरा सर्किट पूरा होता है और हमें फोटो इलेक्ट्रिक करंट मिल रहा था। ये सारी चीज़ें पिछले लेक्चर में हुई थी। तो यहाँ पे एक बात हो रही थी स्टॉपिंग पोटेंशियल इस एक्सपेरिमेंट में। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वो पोटेंशियल था कि जहाँ से हम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को भी रोक सकते हैं और वहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। ये वो निगेटिव पोटेंशियल था जिस पोटेंशियल पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज़ीरो हो जाती है, यानी कि ये वो स्टॉपिंग पोटेंशियल है जहाँ पे वो मैक्सिमम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को भी स्टॉप कर दे रहा है। यानी जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी वो रोक पा रहा है वो पोटेंशियल। तो मैक्सिमम एनर्जी मतलब सिंपल ये काइनेटिक एनर्जी है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से आइंस्टीन को एक उपाय सुझा कि ये काइनेटिक एनर्जी है और इसका एक मैक्सिमम टर्म यहाँ यूज हो सकता है। तो इस इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी मिल रही है वो यही एनर्जी मिल रही है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वाली। तो एक तो इंसिडेंट लाइट थी एच न्यू, इंसिडेंट लाइट की एनर्जी एच न्यू। फिर उन्होंने ये कहा कि चूंकि मेटल के जो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मेटल के अंदर हैं, उन्हें निकालने के लिए कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। तो उसके लिए सपोज़ करें कि अगर W उनका वर्क फंक्शन वो एनर्जी होती है जितना इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़रूरी होती है। तो एक टर्म तो क्योंकि मेटल यहाँ बाउंड है, मेटल में इलेक्ट्रॉन बाउंड है तो उसे इमिट करने के लिए कुछ हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, तो वो टर्म हो जाएगा इसका वर्क फंक्शन का। और दूसरा टर्म जो बाकी बचेगा EK max, ये मिलेगा इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी के रूप में, जिस एनर्जी को लेके वो कैथोड से एनोड तक ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो ये बेसिस था उनका सोचने का कि जो यूवी लाइट की एनर्जी आ रही है जो डायरेक्ट इस पे आ रही है मेटल के ऊपर, तो वहाँ दो रूप में वो व्यय हो रही है, एक तरह से दो रूप में इन्वेस्ट हो रहा है, एक तो उसको निकालने में इलेक्ट्रॉन को और दूसरा जो एनर्जी बच रही है यहाँ से वो उसको एज अ काइनेटिक एनर्जी मिल रही है जिससे वो कैथोड से एनोड की तरफ जाता है। यहाँ एक चीज़ और नोटिस करने वाली है, यहाँ मैक्सिमम वर्ड क्यों यूज होता है, मैक्सिमम इसलिए यूज होता है कि जो यहाँ पे जो हम एक्सपेरिमेंट में कंसिडर करते हैं तो यहाँ हम मानते हैं कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो मैक्सिमम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन के लिए ही है, और अगर मेटल से हम इलेक्ट्रॉन को इमिट करा रहे हैं तो मैक्सिमम एनर्जी किस इलेक्ट्रॉन की होगी, मैक्सिमम एनर्जी उसी इलेक्ट्रॉन की होगी जो मेटल के सरफेस पे होगा, तो जो फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमेना था वो मेटल के सरफेस से ही होता है, यानी हम उसी इलेक्ट्रॉन के बारे में सिर्फ पढ़ते हैं जो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर रहा है, ये वही इलेक्ट्रॉन होता है जो मेटल के सरफेस से निकलता है, न कि उसके अंदर से। क्योंकि जो मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, उसी की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, बाकी जितने भी मेटल के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, सपोज़ करिए अगर ये मेटल है तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो इलेक्ट्रॉन इसके इंटरनल में भी वो टकराएगा, कई जगह कोलिजन होगा तो उसकी वजह से उसकी एनर्जी में लॉस आएगा। तो मैक्सिमम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन वही होगा जो सरफेस से निकलेगा, यानी उसे और कहीं नहीं टकराना है, जस्ट यहाँ से बाहर हो जाना है, तो उसके पास जो एनर्जी होगी वो मैक्सिमम एनर्जी होगी। और ये पूरा एक्सपेरिमेंट मैक्सिमम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही है, जो लो एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो तो बहुत पहले ही रुक जाएंगे। तो ये मेन जो फिनोमेना है वो मैक्सिमम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन के लिए है। तो आइंस्टीन ने कुछ इस तरह का इक्वेशन दिया कि एच न्यू इक्वल टू W, और यहाँ पे W को उन्होंने माना वर्क फंक्शन, और यहाँ पे इसको हम एच न्यू नॉट से डिनोट करते हैं और न्यू नॉट को बोलते हैं थ्रेशोल्ड,
frequency. Threshold frequency और ये था मैक्सिमम एनर्जी या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये है एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। और फिर इसी को हम अगर उस फॉर्म में रखेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम और ये हो जाएगा वी मैक्स का स्क्वायर। तो ये है आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए दिया था। तो यही है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। सो दिस इज़ द आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को यूज़ करके आइंस्टीन ने सारे लॉ को वन बाई वन डिस्कस किया था कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाएगी या कैसे वो इंटेंसिटी के साथ इंडिपेंडेंट होगी। तो सारे पांचों लॉ याद होने चाहिए तभी हम यहाँ से डिस्कस कर पाएंगे कि इसके आगे कैसे कैसे उन्होंने लॉ को समझाया था। तो अगर इस एक्सप्रेशन को देखेंगे तो यहाँ से अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो यहाँ इंटेंसिटी जैसा कोई टर्म नहीं है, यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो यहाँ एनर्जी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये जो टर्म है वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, ये कौन सा टर्म है, ये एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो अगर पहला जो लॉ था वो यही था कि अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं यूवी लाइट की, जो ये इंसिडेंट लाइट हो रही है, अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो क्या इफेक्ट आएगा, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर जाते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे जिससे फोटो इलेक्ट्रिक करेंट भी बढ़ जाएगी। लेकिन इस इक्वेशन से हम देख सकते हैं कि इंटेंसिटी बढ़ाने से एच न्यू तो बढ़ेगा नहीं, एच न्यू सेम ही रहेगा और एच न्यू नॉट भी फिक्स ही होगा, तो जो इसकी वैल्यू आएगी वो हमेशा फिक्स रहेगी। तो किसी पर्टिकुलर एनर्जी की इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी के बढ़ाने से इंडिपेंडेंट है, तो ये चीज़ शो हो रहा है यहाँ से। दूसरा चीज़ था कि जो एनर्जी है, जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो इंक्रीज कर जाती है जैसे जैसे हम इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं। फ्रीक्वेंसी को जब हम बढ़ाएंगे तो हमें दिख रहा है कि जब हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो हमारा काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, जो ई के मैक्स है ये हो जाएगा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट यहाँ से। तो अगर हम इस टर्म को बढ़ाएंगे तो ये पूरा टर्म बढ़ जाएगा, यानी इसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। अगर हम एच न्यू को बढ़ाएंगे तो इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ ज़्यादा वैल्यू मिलेगी, तो इस हिसाब से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो जो दूसरा लॉ था उसके हिसाब से हम ऐसा कर सकते हैं, जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाएगी इस केस में। उनका नेक्स्ट था कि एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी के नीचे जो नेक्स्ट लॉ था वो ये था कि एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वहाँ सपोज की गई थी कि उससे नीचे अगर फ्रीक्वेंसी होगी तो लाइट या फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं करेंगे। तो वो भी यहाँ से दिख रहा है कि अगर न्यू नॉट अगर लेस देन न्यू हो जाएगा, यानी ये क्या शो कर रहा है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी से लो है। इस केस में क्या होगा, अगर हम इसको यहाँ पे रखेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी निगेटिव। अगर न्यू नॉट, यहाँ एच कॉन्स्टेंट है, न्यू नॉट अगर बड़ा होगा न्यू से तो ई के मैक्स क्या मिलेगा, निगेटिव। और निगेटिव काइनेटिक एनर्जी का निगेटिव होना मतलब एक तरह से ये मीनिंगलेस है, मीनिंगलेस, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कभी निगेटिव नहीं होती। तो यहाँ हमेशा एच न्यू को बड़ा होना होगा एच न्यू नॉट से, ये तभी संभव है जब न्यू बड़ा होगा न्यू नॉट से, न्यू हमेशा ज़्यादा होना चाहिए न्यू नॉट से। तो यहाँ से ये चीज़ भी सेटिस्फाई हो रहा है कि अगर न्यू नॉट ज़्यादा हो जाएगा न्यू से तो कोई भी इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं होगा और यह सारा फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमेना पॉसिबल नहीं होगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमेशा न्यू ग्रेटर देन हो न्यू नॉट। एक और केस हम डिस्कस कर सकते हैं, अगर न्यू नॉट इक्वल हो गया न्यू के तब भी हम देख रहे हैं कि ये दोनों टर्म सेम हो जाएगा, फिर हमें क्या मिलेगा, ई के मैक्स ज़ीरो हो जाएगा। तो अगर ई के मैक्स ज़ीरो होगा तो जो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल रही है वही ज़ीरो हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी से ही तो वो कैथोड से एनोड पे जाता है, अगर वो ज़ीरो हो जाएगा
तो फिर से फोटोइलेक्ट्रिक फिनोमिना कोई मतलब नहीं है, क्योंकि करंट हमें नहीं मिलेगी, कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ तक नहीं पहुँचेगा क्योंकि उसके पास कोई एनर्जी ही नहीं है। तो ये भी एक्सप्लेन हो गया इस तरीके से कि हमेशा जो है फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से ज़्यादा होना चाहिए, यानी ये कंडीशन ज़रूरी है, ऑलवेज न्यू इज़ ग्रेटर देन न्यू नॉट, तभी ये फिनोमिना पॉसिबल है। और लास्ट जो था उसमें ये था कि जो फोटोइलेक्ट्रिक फिनोमिना होते हैं वो बहुत इंस्टेंट होते हैं, ऐसा नहीं है कि मेटल है और मेटल के ऊपर यूवी लाइट आएगी और फिर मेटल हीट होगा देन इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उस प्रोसेस में एक टाइम होगा, लेकिन ऐसा टाइम नहीं लगता। तो हम इस तरीके से सोच सकते हैं कि अगर हम केवल स्टडी मेटल के सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए कर रहे हैं तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन सीधे जो एच न्यू आता है वो केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन से, सिंगल इलेक्ट्रॉन पे इंसिडेंट होता है और इलेक्ट्रॉन वहाँ से इमिट कर जाता है। और यहाँ एक चीज़ और है कि ये ज़रूरी नहीं कि हर एच न्यू, जितनी भी हम इंसिडेंट लाइट पढ़ रहे हैं तो हर एच न्यू ज़रूरी नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन का इमिशन कर दे, ये ज़रूरी नहीं है, हालांकि ये काफ़ी करीब है, लगभग इलेक्ट्रॉन और जो एच न्यू निकलता है एक एच न्यू, इनका रेशियो लगभग यूनिटी है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ऑल टाइम जो एच न्यू है वो एक इलेक्ट्रॉन का इमिशन कर दे। लेकिन यहाँ जो कोलिजन होता है वो इसी तरीके से होता है कि फोटॉन का एक एच न्यू डायरेक्ट इंसिडेंट होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, और चूंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल के सरफेस से निकलता है तो अक्सर एंट्रेंस में पूछता है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इलेक्ट्रॉन इमिशन होता है या जो फोटो इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है वो मेटल के किस भाग से होता है, यानी वो सरफेस से होता है या मेटल के इंटीरियर से होता है। तो हमारा जवाब ये होना चाहिए मेटल के सरफेस से, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो फोटो इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है मेटल से वो कहाँ से होता है, वो सरफेस ऑफ द मेटल, सरफेस ऑफ द मेटल। तो इलेक्ट्रॉन भले बाउंड होता है मेटल के अंदर लेकिन वो सरफेस वाला ही होता है, वो बहुत अंदर से नहीं बाहर आता है, सरफेस वाले को हम करते हैं। तो सरफेस वाला इलेक्ट्रॉन को निकलने में कोई टाइम नहीं लगता, तो इसलिए कोई टाइम लैग भी नहीं होता है। तो जो लास्ट वाला आर्टिकल था कि कोई टाइम लैग नहीं होता है वो भी यहाँ से प्रूफ हुआ कि हम मेटल के अंदर वाले इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन। जो फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमिना है वो किस इलेक्ट्रॉन के लिए है, सरफेस ऑफ द मेटल से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए है, तो वो तुरंत बाहर आ जाएगा क्योंकि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसके लिए तो टाइम लगेगा, वो अंदर कोलिजन वगैरह करते हुए बाहर आएगा, तो उसके लिए ये एक्सपेरिमेंट ही नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट सरफेस ऑफ द मेटल के लिए है। और इसीलिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की बात भी होती है क्योंकि जो मेटल के सरफेस वाला इलेक्ट्रॉन है उसके पास हमेशा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी एज कम्पेयर जो अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, यहाँ से आएंगे तो पहले वो इधर ही कहीं टकराएंगे तो इसमें उनकी कोलिजन में एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। तो जो सरफेस वाला इलेक्ट्रॉन होता है उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए यहाँ टर्म मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होता है, और यही जो ई के मैक्स है वो बराबर हो जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल के, ई वी नॉट के, क्योंकि वी नॉट जो होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। एक और जो एक्सपेरिमेंट है कॉम्प्टन का, उसमें भी कुछ इसी तरीके से है कि फोटॉन को हम स्ट्राइक कराते हैं तो वहाँ डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर कराते हैं, यहाँ मेटल के अंदर ये बाउंड होता है इलेक्ट्रॉन भले वो सरफेस से बाहर आए, लेकिन कॉम्प्टन एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन एक फ्री पार्टिकल की तरह होता है जहाँ फोटॉन डायरेक्ट इंसिडेंट होता है, जैसे फोटॉन वहाँ पर डायरेक्ट इंसिडेंट होगा सीधे इलेक्ट्रॉन के ऊपर इस तरीके से, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पढ़ेंगे। तो फिलहाल ये फोटो इलेक्ट्रिक वाला सेक्शन कंप्लीट हुआ, कुछ जो उसमें आपका नोट्स बनाने के लिए है तो वो सारी चीज़ें हम सेंड कर देंगे, वो सारा चीज़ मिल जाएगा, इसको कायदे से समझिए, सारी चीज़ें लगभग हमने इसमें कर दिया है, पहले लॉ को देखेंगे उसके बाद आइंस्टीन का इक्वेशन और देन उसके बाद सारी चीज़ें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।